पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद आमिर की वापसी को लेकर रमीज राजा का बड़ा बयान। एशिया कप और वर्ल्ड कप में धमाल मचाएंगे मोहम्मद आमिर। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं मोहम्मद आमिर के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, आपके मुताबिक मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जल्द से जल्द वापसी करनी चाहिए या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट में जब भी तेज गेंदबाजी आक्रमण की बात होती है तो उसमें मोहम्मद आमिर का नाम भी सामने आता है। मोहम्मद आमिर ने अपनी लहराती हुई गेंदबाजी से बड़े बल्लेबाजी आक्रमण को ध्वस्त किया है। ऐसी कोई टीम नहीं है जिसे मोहम्मद आमिर ने परेशान न किया हो। लेकिन अचानक मोहम्मद आमिर के क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम और मोहम्मद आमिर के फैंस को हैरान कर रख दिया। हालांकि मोहम्मद आमिर ने संन्यास के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया और संन्यास का ऐलान कर दिया। लेकिन अब फिर से मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां पर खबर निकलकर ये सामने आई है कि मोहम्मद आमिर अपना संन्यास वापस ले रहे हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हमें खेलते हुए नजर आएंगे। मोहम्मद आमिर का पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट करियर भी काफी शानदार रहा है। पाकिस्तान के इस तेज गेंदबाज ने अपने करियर में 36 टेस्ट मैच, 31 एक दिवसीय और 50 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस खिलाड़ी की वापसी को लेकर रमीज राजा ने भी बड़ा बयान दिया है। रमीज राजा ने कहा है कि मोहम्मद आमिर हमारी टीम के काफी बेहतरीन गेंदबाज हैं। हालांकि उन्होंने अचानक संन्यास लिया जो कि टीम के हित में नहीं था, लेकिन अब उनकी वापसी से टीम काफी मजबूत नजर आएगी। मोहम्मद आमिर को ये पता है कि किस बल्लेबाज को किस तरह से आउट करना है। उनके पास काफी पेशेंस है, साथ ही उन्हें काफी अनुभव भी है और ऐसे में उनका अनुभव आने वाले एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के काफी काम आ सकता है। ऐसे में मैं भी चाहूंगा कि मोहम्मद आमिर जल्द से जल्द अपना संन्यास वापस लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हमें खेलते हुए नजर आए। तो दोस्तों, इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।